नमस्कार दोस्तों, LSL ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो प्यार और सपोर्ट आपने हमारे चैनल को दिया है उसका मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। और दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ ये है लिमिटेशन एक्ट के ऊपर। इसमें हम लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड 50 MCQs देखेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनके आने वाले एग्जाम में भी पूरे आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपनी वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई ऑन। दोस्तों, सेक्शन 4 जो है हमारा लिमिटेशन एक्ट का वो किस पर अप्लाई होता है? तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल ऑन। सेक्शन 6 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो किस पे अप्लाई होता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और सी बोथ। तो जरूर एक बार देख लेते हैं। हमें ए में दिया हुआ है सूट और हमें सी में दिया हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। तो दोस्तों, ये जो हमारा सेक्शन 6 है ये सूट पे और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री दोनों पे एप्लीकेबल होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अवेलेबल टू। तो दोस्तों, सेक्शन 6 जो है वो किसके लिए अवेलेबल होता है? तो दोस्तों, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्लेंटिफ के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। तो दोस्तों, सेक्शन 6 जो है लिमिटेशन एक्ट का ये किस पे अप्लाई नहीं होता है? तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंसॉल्वेंट। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि इंसॉल्वेंट को छोड़ के जो बाकी तीन ऑप्शन है हमारे, जैसे कि इडियट, माइनर, इनसेन, इन तीनों के ऊपर सेक्शन सी एप्लीकेबल होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंटर टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो दोस्तों, उसमें सेक्शन 6 के अंदर जो मैक्सिमम पीरियड है लिमिटेशन को कितना दिया हुआ है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 3 ईयर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडोनेशन ऑफ डिले इज डील्ट विद द अंडर। तो दोस्तों, जो कंडोनेशन ऑफ डिले है ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो ये आपका लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 में दिया हुआ है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन कमेंस फ्रॉम डेट व्हेन पजेशन बिकेम एडवर्स बट नॉट फ्रॉम डेट व्हेन राइट ऑफ ओनरशिप अराइजेस। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट किस केस में कही गई है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वसंती बेन प्रहलाद जी नायक वर्सेज सोमनाथ मुलजी भाई नायक। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सूट फॉर फोरक्लोजर बाय अ मॉर्गेजी कैन बी फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 30 ईयर्स। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सूट फॉर पजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड कैन बी ब्रॉट बाय अ मॉर्गेजी विद इन अ पीरियड ऑफ। तो दोस्तों, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो मॉर्गेजी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केस होता है वो कितने साल के अंदर अंदर दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 ईयर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर अ सूट टू रिकवरी सरप्लस कलेक्शन रिसीव्ड बाय द मॉर्गेजी आफ्टर द मॉर्गेज हैज सेटिस्फाइड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज। तो दोस्तों, इस केस में लिमिटेशन कितना होगा पीरियड? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 4 ईयर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सूट फाइल्ड बाय अ प्लेंटिफ द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट हैज टेकन द ऑब्जेक्शन ऑफ नॉन इम्प्लीमेंट ऑफ नेसेसरी पार्टी डिस्पाइट सच ऑब्जेक्शन द प्लेंटिफ कंटिन्यू द सूट एंड द सूट फाइनली वॉज डिक्रीड एट द फर्स्ट एपलेट स्टेज द प्लेंटिफ विदड्रॉ द सूट विद लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश वन ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन एंड सब्सिक्वेंटली फाइल्ड अ फ्रेश सूट द पीरियड स्पेंट बाय द प्लेंटिफ इन द अर्लियर सूट अंडर सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, टू बी एक्सक्लूडेड और नॉट टू बी एक्सक्लूडेड इज इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो दोस्तों, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो उसको एक्सक्लूड कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज अवेलेबल टू द प्लेंटिफ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, वेयर अ सूट हैज़ बीन विदड्रॉन अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 ऑफ CPC विद परमिशन टू फाइल अ फ्रेश वन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 14 सब क्लोज 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज इन द नेचर ऑफ। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एन एक्सेप्शन टू ऑर्डर 23 रूल 2 ऑफ CPC। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। An appreciation for special leave to appeal to the Supreme Court can be filed within। तो दोस्तों, हमसे इसमें पूछा गया है कि SLP के ऊपर जो हम अपील करते हैं वो कितने दिन के अंदर हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 60 days to 90 days depending upon the subject matter।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 25 ऑफ इजमेंट राइट आर एक्वायर्ड बाय कंटिन्यू एंड अनइंटरप्टेड यूजर्स। तो दोस्तों इसमें हमें टाइम पीरियड बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 20 ईयर्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट विल हैव नो एप्लीकेशन। तो दोस्तों सेक्शन 14 जो है वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वेयर द सूट इज डिसमिस आफ्टर एडजुडिकेशन ऑन इट्स मेरिट। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ सेंटेंस इज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 30 डेज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 13 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई टू। तो दोस्तों हमारा जो सेक्शन 13 है वो किस पे अप्लाई होता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सूट फाइल्ड इन फॉर्मा पॉपेरिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ जजमेंट वॉज पास्ड ऑन 10/7/2002 एंड द डिक्री प्रिपेयर ऑन 25 July 2002 एंड एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी वॉज मेड ऑन 11 July 2002 एंड द सर्टिफाइड कॉपी वॉज रेडी ऑन 1st August 2002 एंड द डिलीवरी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी वॉज टेकन ऑन 5 August 2002 अंडर द सेक्शन 12 द पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड इज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 11 July 2002 से लेके 1st August 2002 तक का जो पीरियड होगा इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई ऑन। तो दोस्तों जो सेक्शन 14 है हमारा ये किस पे अप्लाई करता है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी, सूट के ऊपर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 15 अप्लाई टू। दोस्तों सेक्शन 15 किसके ऊपर अप्लाई होता है, तो दोस्तों का सेक्शन 15 है ये बोथ सूट और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन दोनों पे अप्लाई होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 13 ऑफ लिमिटेशन एक्ट द टाइम इज एक्सक्लूडेड। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इफ द एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू और अपील एज अ प्रॉपर इज रिजेक्टेड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन अपील कमेंस फ्रॉम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द डेट ऑफ जजमेंट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ सेंटेंस अदर देन द सेंटेंस ऑफ डेथ इज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 60 डेज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 25 द इजमेंट राइट ओवर द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट आर एक्वायर्ड बाय कंटिन्यू एंड अनइंटरप्टेड यूजर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फॉर 30 ईयर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड द टाइम रिक्विजिट इज ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड अंडर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेक्शन 12 सब क्लॉज 4। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील रिव्यू और रिविजन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ डिग्री ऑफ ऑर्डर अपील्ड शैल बी एक्सक्लूडेड अंडर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 12 सब क्लॉज 2। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ रिव्यू ऑफ अ जजमेंट इज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 30 डेज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वैलिड एक्नोलेजमेंट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन द हैंड रिटन ऑफ अ पर्सन कंसर्न। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 22 रेफर टू केसेस ऑफ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सूट अगेंस्ट द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एंजॉयमेंट ऑफ एजमेंट्री राइट एक्वायर्ड अंडर सेक्शन 25 मस्ट बी फाइल्ड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विद इन 2 ईयर ऑफ अ सच ऑब्स्ट्रक्शन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सूट टू रिकवर पोजेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी कन्वेन और बैंक्वेट इन ट्रस्ट एंड आफ्टरवर्ड ट्रांसफर्ड बाय द ट्रस्टी फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन अंडर आर्टिकल 93 ऑफ शेड्यूल द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 ईयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू प्रेफर एन अपील टू अ कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट फ्रॉम एनी डिग्री और ऑर्डर इज। तो दोस्तों इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, 30 डेज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम टेकन इन प्रोसीडिंग्स टू सेट असाइड द सेल इन सूट फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर इन एग्जीक्यूशन इज लाइबल टू बी एक्सक्लूडेड।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 15 सब क्लॉज 4। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर इज, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 90 डेज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड अ सेल ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 60 डेज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर आर्टिकल 54 ऑफ शेड्यूल इज, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3 ईयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ रिविजन इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 90 डेज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्नॉलेजमेंट, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मेयरली कन्फर्म अ लाइबिलिटी, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सूट बाय अ पर्सन एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी टू एनफोर्स अ राइट टू शेयर देयर इन अंडर आर्टिकल 110 ऑफ शेड्यूल कैन बी फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 12 ईयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 17 टेक्स विद इन इट्स एम्बिट, तो दोस्तों सेक्शन 17 के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसके अंदर फ्रॉड, मिस्टेक और कंसीलमेंट तीनों ही चीज़ें जो होंगी वो इंक्लूड होंगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट करेक्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लिमिटेशन एक्सटिंग्विश द राइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सूट फॉर पोजेशन बेस्ड ऑन द राइट ऑफ प्रीवियस पोजेशन एंड नॉट ऑन द टाइटल कैन बी फाइल्ड, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विद इन 12 ईयर ऑफ डिस्पोजिशन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सूट टू एनफोर्स अ राइट ऑफ प्रीएम्पशन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर आर्टिकल 97 ऑफ द शेड्यूल इज, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1 ईयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ अ हेडिटरी ऑफिस अंडर आर्टिकल 107 ऑफ द शेड्यूल कैन बी फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 12 ईयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट टू रिकवर पोजेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट ट्रांसफर्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन अंडर आर्टिकल 96 ऑफ शेड्यूल, तो दोस्तों इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 12 ईयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट करेक्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी लिमिटेशन बार द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपना। अ सूट फॉर एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस कैन बी फाइल्ड विद इन, तो दोस्तों जो मेंटेनेंस का एरियर्स का जो सूट होता है वो कितने दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना होता है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी विद इन 3 ईयर्स। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर आर्टिकल 112 ऑफ शेड्यूल द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 30 ईयर फॉर एनी सूट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो आपने यहाँ पे अप्रोक्स 50 क्वेश्चन देखे हैं। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको टाइम पीरियड आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस में कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है, और ये जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।